नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच चैनल। ये वीडियो बन रहा है स्कॉर्पियो राशि के लिए। आपका अगस्त और सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है वो मैं आपको टैरो रीडिंग से बताने वाली हूँ। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आपका प्रोजेनी, लव अफेयर और एजुकेशन कैसे होगा वो मैं आपको टैरो रीडिंग से बताने वाली हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। So, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करियर के लिए कार्ड आ रहा है स्कॉर्पियो राशि के लिए कि कुछ मिस्ट्री है, कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है। सो थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा फाइंड आउट करते रहें। अगर आप प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो आपको मेडिटेशंस करने हैं, आपको अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाना है और किसी लेडी का हेल्प लेना है जो बहुत इंट्यूटिव है और टू द पॉइंट आपको आंसर्स बताती है, ऐसी लेडी का आपको हेल्प लेना है। और यहाँ पर कार्ड आया है कि कुछ ऐसे होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है आपके करियर में, और कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यूज के लिए गए हैं और आपको वहां से यस बोला गया है, आप सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे आके कुछ चेंज हो जाएगा, या आपकी जो जॉब चल रही है वहां पर भी कुछ इनसिक्योरिटीज आपको फील होंगे और कुछ नेगेटिव ही अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। कुछ मिस्ट्री है अगर आप करियर में बिजनेस में हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ऑर्डर आएगा तो वो भी डिले होने के चांसेस हैं अगस्त सितंबर में। और स्कॉर्पियो राशि को इसके लिए एक रेमेडी करना चाहिए जो है कि आपको हनुमान चालीसा डेली रिसाइट करना चाहिए एटलीस्ट 11 टाइम्स। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करने के लिए आपको हनुमान चालीसा रिसाइट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ओवरऑल नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, तो उसके लिए एक सिंपल रेमेडी हम सजेस्ट करते हैं। आई जस्ट शो यू हियर कि 4 क्लियर कॉर्ड्स के आपको ये पेंसिल्स लेने होते हैं और ये डिफरेंट साइजेस के होने चाहिए, डिफरेंट वेट के होने चाहिए, और इसको प्रोग्राम करके भेजा जाता है आपको और बताया जाता है कि कौन सी पेंसिल को कौन से डायरेक्शन में आपको फिक्स करना है। इसे आपके घर के 4 कोने में आपको इसे फिक्स करना होता है जिसे कहा जाता है ग्रिड। तो आपके घर के 4 कोनों में ये ग्रिड बन जाता है, 1 इन साउथ वेस्ट, 1 इन साउथ ईस्ट, अदर 1 इज इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे 4 डायरेक्शंस में आप इस क्रिस्टल पेंसिल्स को, प्रोग्राम्ड क्रिस्टल पेंसिल्स को रखते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, आपके ऑफिस में पॉजिटिविटी आती है, और ओवरऑल जो नेगेटिविटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही क्रिस्टल्स आपके लाइफ में आते हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। सो करियर के लिए अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो ये एक एडवाइस आपके लिए है, एक रेमेडी आपके लिए है। आपको हनुमान चालीसा भी रिसाइट करना है, हो सके तो आपको हनुमान टेंपल भी जाना है। सेकंड कार्ड आपके फाइनेंस के लिए है कि जो है फाइनेंस आपके पास, आप उसके लिए बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, और आपने खुद नेचर को ये एक मैसेज दिया है कि बस इतना ही पैसा है। नेचर से आप होप्स लूज कर चुके हैं, आपको बिल्कुल होप्स नहीं है कि नेचर आपको और पैसे भेजेगा। आपको थोड़े पैसे आपके इन्वेस्ट करने हैं और कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करना है। आपको थोड़े से न्यू इन्वेस्टमेंट्स आपके बिजनेस में करने हैं और थोड़े इन्वेस्टमेंट्स आपको आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, यू कैन लर्न न्यू कोर्सेस, ऐसे कुछ आप लर्न करके आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसों को बढ़ा सकते हैं। अगेन नेगेटिव कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप के लिए, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे बैठकर आपको सॉल्व करना है, एक दूसरे से बात करना है, और जितना हो सके थर्ड पर्सन को आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं करना है, इससे मसले और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपके हेल्थ के लिए, कुछ बुरी आदतें आपके अंदर हैं, मे बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग और लेस एक्सरसाइजिंग, तो इन सब चीजों को आप आपके
इनर पावर से, आपकी इनर स्ट्रेंथ से आप उन चीजों को कंट्रोल करें अगस्त सितंबर मंथ में। और यहाँ पर दिखाता है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं और आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान जरूर देंगे। इवन दिस फोर क्रिस्टल रेमेडी इट विल हेल्प यू इन योर हेल्थ एज वेल, आपके हेल्थ को भी ये रेमेडी अच्छा करता है। सो चार पेंसिल्स आपको चार डायरेक्शंस में लगाने होते हैं और इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आता है। अगर घर में नहीं लगा सकते हैं तो रूम में लगा सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है कि आप बैलेंस्ड रहेंगे, आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को भी उतना ही ध्यान देंगे जितना आप आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ को ध्यान दे रहे हैं। आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, एक बहुत अच्छा फ्रेंड आपको सपोर्ट करेगा और आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को और रेगुलर करने के लिए और अच्छे से करने के लिए वो हेल्प करेगा। नेचर भी आपको ब्लेस कर रहा है, आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत पॉजिटिवली होने वाले हैं, आपका ग्रोथ भी होने वाला है। आपके प्रोजेनी के लिए नेगेटिव कार्ड है कि अगस्त सितंबर मंथ में कुछ न्यूज आने के चांसेस नहीं है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और क्लैशेस हैं। तो पहले अपने रिलेशनशिप को आप पॉजिटिव करें, उसके लिए आप एक रोज क्वार्ट्ज का स्फीयर लेना होता है आपको, और प्रेफरेबली दो स्फीयर्स आपको घर के या बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखने होते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप ठीक होता है। रोज क्वार्ट्ज जो है उसे लव क्रिस्टल भी कहा गया है। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग बनाता है, आपका हार्ट चक्र ओपन करता है टुवर्ड्स योर पार्टनर, सेल्फ लव सिखाता है, ट्रस्टिंग अदर्स आपको सिखाता है रोज क्वार्ट्ज। और नेक्स्ट है आपके लव अफेयर के लिए कि पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप बहुत ही एफर्ट्स डालेंगे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन उनको आप ओवरकम कर देंगे और आप बहुत ही टाइम एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर को देने वाले हैं और आप खुद को भी प्रोटेक्ट करने वाले हैं ताकि आप इमोशनली हर्ट नहीं हों। आपके करियर और लव अफेयर को इक्वल इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। लास्ट कार्ड है एजुकेशन के लिए। यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आया है कि आप इल्यूजन में रह रहे हैं और बहुत सी चीजें अभी आपको नहीं पता है आपके एजुकेशन के बारे में। अगर आप कहाँ एडमिशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, 15 डेज में आपका आंसर नेगेटिव आएगा, तो आपको दूसरे भी ऑप्शंस देखने हैं। अगर आप कोई कोर्स ले चुके हैं ऑलरेडी तो वहां पर भी आगे जाकर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा और आपको कुछ नया कोर्स फिर से वहां करना पड़ेगा। तो अभी से थोड़ा रिसर्च चालू रखिए और जो दूसरे ऑप्शन है उनके ऊपर भी काम करना स्टार्ट कीजिए। आप जो भी एजुकेशन कर रहे हैं आपने किसी का गाइडेंस नहीं लिया हुआ है तो आप किसी का गाइडेंस लें, और अगर प्रैक्टिकली आप किसी का गाइडेंस नहीं ले सकते हैं तो आई सजेस्ट आप थोड़े से मेडिटेशंस करें, योगा करें और रेकी लर्न करें। इससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है और आप सही डिसीजंस लेते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों को एंजल कार्ड मैसेज है कौन से गॉड को आप वर्शिप करें ताकि आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सारे सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर एक कार्ड है माँ दुर्गा, आपको माँ दुर्गा को वर्शिप करना है और माँ दुर्गा एम्पावर्स यू विथ अ नाइन ब्लेसिंग्स ऑफ नेम फेम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ह्यूमैनिटी ज्ञान भक्ति एंड शक्ति। माता आपको नौ ब्लेसिंग्स देने वाली हैं, वो आपको नाम देने वाली हैं, आपको शौहरत देने वाली हैं, आपको अच्छी सेहत देने वाली हैं, पैसा देने वाली हैं, खुशी देने वाली हैं, इंसानियत देने वाली हैं, ज्ञान भक्ति और शक्ति देने वाली हैं। सो माँ दुर्गा को आपको वर्शिप करना है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली कर सकते हैं, आप दुर्गा कवच का पाठ डेली कर सकते हैं और इससे आपका वीनस प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है जिससे आपके लॉसेस नहीं होते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको नींद अच्छी आती है आपका वीनस प्लैनेट जब पॉजिटिव होता है। और आपका जो लोन्स वगैरह है
आपके जो लोन्स वगैरह हैं वो क्लियर होते हैं, और अगर आप वीनस को पॉजिटिव करते हैं, माँ दुर्गा को वर्शिप करते हैं, तो आपके डिजीजेस, आपके कोर्ट केसेस वगैरह से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाता है स्कॉर्पियो राशि को। सो आपको एजुकेशन के लिए थोड़ा सा गाइडेंस लेना है, माँ दुर्गा भी आपको गाइड करेंगी। आपके रिलेशनशिप के लिए भी माँ दुर्गा को वर्शिप करना है, हो सके उनका टेम्पल विजिट करें और वहां पर कुछ मीठा प्रसाद आप चढ़ा कर आए, तो इससे भी आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो कम हो जाएंगे। और ये कार्ड है आपके प्रोजेनी के लिए, प्रोजेनी के लिए नेगेटिव कार्ड आया था, तो उसके लिए भी आप माँ दुर्गा को वर्शिप कर सकते हैं, वो आपको ब्लेस कर सकती हैं आपके फैमिली प्लानिंग में। सो आई होप स्कॉर्पियो राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अपने कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है, कितना आपके साथ सिंक हो रहा है, और इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिस्टल्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर www.geetudivinetouch.com पर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।